बेंगलुरु बुल्स बनाम गुजरात जायंट्स, और पहली रेड बेंगलुरु बुल्स की, यानी पहली रेड हाई फ्लायर पवन सहरावत की। क्या गुजरात का डिफेंस आज पूरी लय पकड़ के हाई फ्लायर की उड़ान को रोकेगा? हाई फ्लायर की उड़ान को रोकना आसान नहीं, दो काफी सीजन्ड कॉर्नर्स नहीं है टीम के साथ। 804 रेड पॉइंट, जाते जाते क्या पवन की उंगलियां मिड लाइन को क्रॉस कर पाई? कतई नहीं। मनप्रीत ने अपनी भुजा दिखाई, पहली रेड पे पवन चले गए, और ऐसा संभवतः पांचवी बार हुआ है जब पवन किसी मुकाबले की पहली रेड में बाहर हुए हों। और डिफेंडर देखिए कौन है जिन्होंने बाहर किया है, सुनील डिफेंडर है। बहुत खूबसूरत डैश यहां पर इस तरह से सौरभ नंदल, देखें जरा राइट कॉर्नर से, लेकिन गलती बेंगलुरु बुल्स के डिफेंस से हुई। बोनस प्लस 2 पॉइंट्स, पहली सुपर रेड। चलिए सुपर रेड ने मुकाबले को एक बार फिर गुजरात की तरफ झुका दिया, बोनस भी ले गए, 2 पॉइंट्स अलग से ले गए ये बोनस, और उसके बाद थाईस पे जाने की कोशिश। हाफ टाइम, चेंज द कोर्स। हर तरह से इस मैच में हीरो बनने का, इससे पहले मुकाबले में हमने देखा पटना पायरेट्स का डिफेंस सबसे बेहतरीन, लेकिन वो काम नहीं आया, यहां बेंगलुरु बुल्स का डिफेंस काम आया। लगातार तीसरी बार सौरभ नांदल ने एचएस राकेश को आउट किया है, तीसरी बार उनके सामने आकर छलांग लगाने की कोशिश की है, और तीसरी बार उनकी एक थाई सौरभ नांदल के हाथ में आई है। 20 सेकंड में से 27-28 सेकंड हर रेडर यहां लेना चाहेगा, 1.5 मिनट बाकी है। जाते जाते परवेश ने क्या तोहफा दे दिया, परवेश क्यों टच कर गए? ये एरर होना नहीं चाहिए डिफेंस से, खासकर जब आप वापसी करना चाहते हैं तो बिल्कुल नहीं। लगातार 23वीं रेड जिसमें पॉइंट मिला है, लेकिन बेंगलुरु बुल्स ने, पवन सहरावत ने, हाई फ्लायर ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि जब तक वो मैट पे हैं उन्हें रोक पाना असंभव है। 19 रेड पॉइंट आज की शाम हाई फ्लायर पवन सहरावत के नाम है।